मोटिवेशन दी। पर आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको कि अगर आप पूरे दिन में कभी भी एक ग्लास अनार का जूस लेते हैं या पोमेग्रेनेट जूस लेते हैं तो हमारे बॉडी में किस तरह का बेनिफिट देता है आपको। पहले तो ये एनीमिया से बचाता है क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में आयरन पाया जाता है, करीबन 1.5 mg के करीब में इसमें आयरन पाया जाता है। तो ये हमारे हीमोग्लोबिन को बनने में हमारी बॉडी में बहुत हेल्पफुल होता है और साथ में इसमें विटामिन सी भी होता है, यानी इसका एब्जॉर्प्शन भी निकल नहीं पाता। और ये चूँकि हम अनार लेते हैं तो उसमें जो आयरन होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी। तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना बहुत इजीली हो जाता है और बहुत अच्छे से बन पाता है। सेकेंड है, ये हमारे बोन्स प्रोटेक्ट करता है उसे डैमेज होने से। एक्चुअली इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि 100 ग्राम में करीबन 51 mg के करीब में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे बोन डेवलपमेंट में और जो बोन इंजर्ड हो जाते हैं उसे क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसलिए हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। थर्ड नंबर, हमारे इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए फाइबर बहुत ही हेल्पफुल होता है। फाइबर एक्चुअली हमारे जो इंटेस्टाइन में जितने भी टॉक्सिक फूड्स जो चिपक जाते हैं वॉल में, इंटेस्टाइन वॉल में, उसे एलिमिनेट करने के लिए फाइबर बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो यूवी रे से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सेल डैमेजिंग को रोकते हैं, इसलिए ये एंटी एजिंग इफेक्ट का भी काम करता है। फिफ्थ नंबर है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। में हमारा ब्लड उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए पोटेशियम बहुत ही हेल्पफुल होता है और हमारे ग्लूकोज लेवल को भी बनाए रखने में, तो ये दोनों काम ही बहुत अच्छे से करता है जिससे आपका हार्ट बीट इंक्रीज नहीं होता, यानी ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन करके रखता है। फिफ्थ नंबर में ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जो कि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो हमारे लीवर सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और जो लीवर सेल डैमेज हो गए होते हैं उससे बिल्ड होने में बहुत ही हेल्पफुल होता है बीटा कैरोटीन, यानी विटामिन ए। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, और साथ में विटामिन सी है जो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सो गाइज, आपको कम से कम आधा ग्लास अनार का जूस रोज लेना चाहिए, कम से कम आधा कप अनार रोज खाएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा, हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग माई।